ये रिश्ता क्या कहलाता है। ताऊ जी आप सोए नहीं अब तक? ये आरू का फोन है, आप ऐसे चेक कर रहे हैं? बच्चे जब कभी कभी गलत रास्ते पे बहुत दूर चले जाते हैं ना, तो बड़ों को उन्हें वापस लाने के लिए उसी रास्ते पे जाना पड़ता है। गलत रास्ता? आपको आरोही पे कोई डाउट है? डाउट नहीं, डर है। डर है मन में। एक साल से अक्षु और कायरव का कुछ पता नहीं है। अब तुम दोनों को नहीं खो सकता मैं। पता नहीं क्या चलता रहता है आरोही के दिमाग में। कितनी बार उससे पूछा मगर बात टाल जाती है। तेरे सामने उस दिन बिल्कुल साफ साफ पूछा, बात हवा में उड़ा दी उसने। क्या कहा था उसने? वो कॉम्प्लिकेशन है जब तूने पूछा था। पता नहीं क्या है जो छिपा रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो बता नहीं रही है। खुद ही जानना पड़ेगा। अरे यार ये कैसे फोन है आजकल के, समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। ताऊ जी मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। तू देख, बता जरा क्या है। क्या और कुछ पता चला? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। देख रहा तू? बताना क्या देख क्या रहा है? ताऊ जी कुछ नहीं मिल रहा है। अगर कुछ मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्यों नहीं? नहीं हो रहा तो मुझे दे, मैं अपने आप देख लेता हूँ। नहीं मिल रहा ताऊ जी, कुछ नहीं है सच में। हमें कहा ना, हमने अभी करने हैं, इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं हम। पर माँ जी ये तो हम कल सुबह भी तो कर सकते थे ना, अभी इतनी रात। माँ ये तो कायरव और अक्षु की फेवरेट कचौरी है। हाँ इस वक्त खुशबू अच्छी आ रही है ना। माँ जी ने बस जिद पकड़ ली कि कचौरी अभी के अभी बनानी। ऐसे अचानक? जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें अचानक ही होती है मनीष। बच्चे अचानक चले गए थे और अचानक वापस आ जाएंगे। दिल ने उनकी आहट महसूस की है मनीष, बहुत जल्दी दरवाजे पे भी आहट आ जाएगी। मिमी, बड़े पापा, को घर वापस ला सकी। वो यहां सेफ है। एक साल बाद अचानक अक्षु कहां है बेटा? अक्षु कहां है? आज फिर घर के बाहर से लौट रही, अंधेरे में, पर हर रात की सुबह होती मेरी भी होगी। बहुत जल्द मैं अपने घर वापस लौटूंगी, बहुत जल्द। दिल की आधी धड़कन तो वापस आ गई बेटा, आधी कहाँ है? अक्षु कहाँ है बेटा? मन तो कर रहा है कि सारा दिल आप लोगों के सामने खोल के रख दूं, सब बता दूं आपको, पर नहीं बता सकता। अक्षु ने मना किया है। जवाब दे बेटा, कहाँ है अक्षु? हाँ भैया, अक्षु कहाँ है? आप सबके सवालों के जवाब अक्षु के पास है और वो खुद ही आप सबको जवाब देगी।
बस वो ठीक है, मैं बता सकता हूँ आपको। I'm sorry. कह रहे बेटा ये कचौरी बनाई जरूर तेरी मिमी ने है, लेकिन तुझे अपने हाथ से खिलाने का मन तेरे बड़े पापा का है। अरे वाह, बड़े पापा और मिमी का प्यार एक साथ। और उसके ऊपर कॉफी का खुमार, और उसके साथ ये केक शालीमार। बहुत तरसो हूं सबके लिए। आने दो, आने दो प्यार, सब खिलाइए मुझे। ये कॉफी पी ले। तू मुझसे छुपाएगी, मैं तुझसे छुपाऊंगा, ये बात सही नहीं है। मैंने तेरे फोन में उसका नंबर देखा, तू जो छुपा रही है मुझे पता चल गया। आपने किसी को कुछ बताया तो नहीं? अब तक तो नहीं। भैया प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, इस बार में किसी को भी कुछ भी मत बताना प्लीज। आरू तू कब तक ये बात सबसे छुपाएगी? आज मुझे पता चला है, कल किसी और को पता चलेगा, फिर बात तो सबके सामने आएगी ना। उसके बाद क्या होगा तूने सोचा है? अरे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था तो थैंक गॉड अक्षु कभी कभी घर पे खाना बनाती थी। तो प्लीज प्लीज आप लोग कुछ मत पूछिए, मैं नहीं बता सकता आपको प्लीज। कायरव तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, जब तक तुम खुद किसी को कुछ बताना नहीं चाहते तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन बेटा जब तुम्हें लगेगा कि तुम हमें बता सकते हो तो प्लीज बता देना, क्योंकि हम सबकी सांसें अटकी है अक्षु के बारे में जानने के लिए। एक साल से जैसे तेरे लिए तरस रहे हैं वैसे उसके लिए भी तड़प रहे हैं। मुझे पता है बड़े पापा। भैया अगर आपको पता है कि अक्षरा कहाँ है तो आप बता क्यों नहीं रहे हो हम सबको? अक्षरा को हम सबकी पड़ी भी है या नहीं, या फिर उसे सिर्फ भागना आता है? आरू अक्षु कहाँ है, उसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, मैं नहीं बता सकता अभी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी सुन सकूंगा उसके खिलाफ। और वैसे भी जब सच सामने आएगा ना तो कोई कुछ करने लायक बच्चे कहीं नहीं। फिर कह रहा हूं बेटा, सब बस इतना जानना चाहते हैं कि अक्षरा ठीक तो है। अगर सब ठीक होता तुम्हारे सामने होती ना बड़े पापा, वो ठीक नहीं है लेकिन कमजोर भी नहीं है वो। बस सब ठीक हो जाए उसी कोशिश में लगी हुई है। अक्षरा के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है मुझे, पर कायरव भैया घर आ गए हैं, ये बात महिमा मैम को बताऊं या नहीं? तूने कहा था तेरे पास सिर्फ आज का दिन है, हाँ जरूर कुछ बड़ा होगा। ऑल द बेस्ट अक्षु। ये रिश्ता क्या कहलाता है।